इस न्यूज़ के लाखों देखने और सुनने वालों का इस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। जी, आपका परिचय? मैं अफजाल अहमद अंसारी, वार्ड नंबर 70 कटेर से, मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ। ये जो सीवर समस्या को लेकर के यहाँ पे पानी जल जमा होता है, आप उसके विषय में क्या बताना चाहते हैं? उसके विषय में ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ रोज सुबह आप आएंगे 7 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ पानी है। डॉक्टर हबीबुल्ला रोड पर पानी लगता है, पानी हमारे बरवातल्ले भी लगता है, पानी दुल्ली गढ़ई में भी लगता है और आज़ाद पार्क में भी पानी लगता है। ये काफ़ी पुरानी समस्या है, लेकिन जलकल विभाग हो चाहे जल निगम हो, अभी यहाँ जायका वाले काम कर रहे हैं। पूरा आप देखेंगे कि गुलगड्डा चौराहे से इन सारी जो लाइन थी, जो मेरा मेन ब्रांच था, इन लोगों ने काम करते के समय उसको ध्वस्त कर दिया। उसका कारण है कि पहले यहाँ पानी लगता था, वो निकल जाता था केवल बारिश में लगता था। अब यहाँ 24 घंटा के अंदर आप सुबह से 7 से लेकर 12 बजे तक कोई आदमी ये रोड पर आ नहीं सकता। बगल में मदरसा मजर लूम, इतनी बड़ी हमारे बच्चों की यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ बिल्डिंग कई मदरसा है, बगल में मस्जिद है और तमाम आने जाने लोगों को समस्या होती है। क्षेत्र में जो हमारे AE हैं, JE हैं, XCN हो चाहे GM हो, हमारे नगर आयुक्त जी से हमारी इस पर चर्चा हुई तो कुछ लाइन उन हम लोगों को दिया, लेकिन हमारी जो मेन समस्या है कि शाही नाले के अंदर जब तक से प्रॉपर ये काम नहीं करेंगे, और जो इनका ब्रांच है, आप आसान गज से आप आइए, आसान गज से जाते हुए आप देखिएगा गुलगड्डा तक आपको लाइन क्लियर मिलेगी नहीं। यही मुख्य कारण है पानी जुटने का और इस पर ये लोग काम नहीं करते। अगर पार्षद इनसे लड़ाई करेगा या पार्षद अपनी समस्या को लेकर इनके जूझेगा तो पार्षद के ऊपर ये मुकदमा करवाएंगे, पार्षद के ऊपर ये मुकदमा करवाएंगे। किस तरह का मुकदमा जो है? मुकदमा ये है कि मुकदमा इसलिए करते हैं कि हम लोग ऑफिस में जाएंगे, भाई हमारे 1 लीटर दिया 2 लीटर दिया 5 लीटर दिया, आदमी का एक, हमारा भी एक दिमाग है, हमारी समस्या रहेगी, जनता क्षेत्र की हमको गाली देती है तो हम किससे लड़ने जाएंगे? जो अधिकारी संबंधित रहेगा उसी से लड़ने जाएंगे ना, तो उसके लेके इन लोगों हम लोगों को मुकदमा करते हैं। तो ये हमारे वार्ड में बहुत बड़ी बहुत जटिल समस्या है। हम सारे आप लोग, जैसे कि देखा जा रहा है कि इस समय कुछ काम चल भी रहे हैं, जी जी तो जी, आप लोग उससे संतुष्ट हैं? भाई देखिए, ये जायका वाला काम केवल लाइनिंग का करेंगे, ना ये सीवर घटाएंगे ना ये बढ़ाएंगे, ये लाइनिंग करके निकल जाएंगे। लेकिन जो मूल समस्या है, मूल समस्या का मतलब कि चारों तरफ पहले के ज़माने की 14 इंची 12 इंची 6 इंची की लाइन है, अगर पूरी लाइन बदला जाए तो इंशाल्लाह आने वाले दिन में हम लोगों को कुछ राहत प्राप्त होगी। हमारी मेन लड़ाई इसकी है। अच्छा, जल संस्थान के बदले पैसा नहीं है, ये बार बार रोती है पैसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं देश के प्रधानमंत्री, हमारे सांसद हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र में। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।